उसके हाथ पांव तोड़ दो, मर भी जाए तो कोई परवाह नहीं, सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। लो जाओ, चलो। क्या बात है राधा? कुछ नहीं, एक भयानक सपना देखा था। भले आदमी पर इतना जुर्म, इन बदमाशन का हाथ कट जाए, कोड़ चुए ये पिया से मरा। नानी, ये सब मेरे कारण हुआ, उन पापियों ने मेरे कारण ही गोपी की ये गत बनाई। अब क्या होगा नानी, अब क्या होगा? चिंता ना कर बेटी, गोपी बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। क्या है जी? लक्ष्मी पूजा को कितने दिन बाकी रह गए? बस चार ही दिन है। चार दिन? क्या मैं तब तक जिंदा रह सकूंगा? कैसी अशुभ बातें करते हो, मैंने कोई ऐसा पाप तो नहीं किया जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। सिस्टर, सिस्टर, क्या है? बहुत बुरी खबर आई। क्या हुआ? अपने दामाद साहब चल बसे। टेलीग्राम में लिखा है कि कल रात अचानक उन्हें बड़े जोर का बुखार चढ़ा और सुबह होते होते वो परलोक सुधार गए। हाय राम, अब बेचारी राधा का क्या होगा? अरे सुनो तो भैया, ये खबर उन तक न पहुंचे, तुम तो जानते हो उनका दिल पहले से ही कमजोर है, ना जाने ये खबर सुनकर उन पर क्या गुजरेगी। जरा इधर तो आओ। क्या है? तुम लोग अभी अभी टेलीग्राम की बातें कर रहे थे, कहां से आई है टेलीग्राम? खबर आई है कि अपनी राधा की तबीयत ठीक नहीं। राधा की तबीयत ठीक नहीं? क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा मतलब है उसका जी कुछ अच्छा नहीं। जी कुछ अच्छा नहीं, समझा? मैं अब नाना बनने वाला, मैं नाना बनने वाला हूँ, यही ना? हाय राम, आप उठ क्यों रहे हैं, आराम कीजिए ना। मैं खुद जाऊंगा अपनी बेटी को लाने। कैसी बातें करते हैं आप, ऐसी हालत में इतना लंबा सफर, पहले कश्ती, फिर टांगा, फिर रेलगाड़ी, फिर टांगा, और फिर हम लोगों के यहाँ बेटी वालों के घर कौन जाता है? आखिर मैं यहाँ किस लिए हूँ? मैं जाकर ले आता हूँ राधा को। अच्छा, उसे जल्दी लेके आओ। आप आराम कीजिए। अब मैं कभी उसे वापस नहीं भेजूंगा, अब वो दोनों मेरे पास रहेंगे, हमेशा मेरे पास रहेंगे। ये क्या हो गया नानी, कैसा अंधेर है? बीबी जी ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो भगवान ने उनकी भरी भराई मांग सुनी कर दी। देखो बिटिया, देखो, हम सब तो भगवान के खिलौने, वो जब चाहता है बनाता है, जब चाहता है तोड़ देता है। नाने, ये खबर गोपी तक न पहुंचने पाए, अभी अभी उसकी तबीयत जरा ठीक हुई है, सुनेगा तो न जाने उस पे क्या गुजरेगी। लेकिन बिटिया, ये बात कब तक छुपेगी, एक न एक दिन तो उसे पता चल ही जाएगा। वो तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन जब तक वो भला चंगा नहीं हो जाता, ये बात तो छुपाने ही होगी नानी। क्या कहोगे, भगवान की अजीब लीला। गोपी, कहाँ जा रहे हो? नाव पे। पागल हो गए हो, खाना पीना भी तुम्हारा ठीक से चालू नहीं हुआ, बदन में इतनी ताकत है जो नाव चलाओगे। लेकिन तू नहीं जानती, कल लक्ष्मी पूजा का दिन है। तो उससे क्या,
और आज तो बीबी जी आने वाली हैं। गोपी सुनो, पहले अपनी तबीयत ठीक हो जाने दो, फिर उनसे मिल लेना। अब तो वो यही रहेंगी। मैं जरूर जाऊंगा। नहीं नहीं, इस हालत में मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। ओ गौरी, मेरे कोई हाथ पांव थोड़े टूटे हैं। और जानती है, जाते समय बीवी जी ने मुझे क्या कहा था? कहा था, गोपी अगर तू अपनी नाव लेकर नहीं आएगा तो क्या गंगा मैया हमें पार उतरने देंगी? अब तू ही बता, मैं कैसे घर में पड़ा रहूं? कुछ भी हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। ओ गौरी, पागल मत बन, छोड़ मुझे। ये फूल किसके लिए ले जा रहा है? जैसे तू जानती नहीं, बीबी जी के लिए और किसके लिए? बीबी जी अब इन फूलों का क्या करेंगे? क्या मतलब? कुछ नहीं, कौन जाने अब बीबी जी ये फूल पसंद करेंगी या नहीं। क्यों नहीं करेंगी? बीबी जी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन ये फूल तो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। गौरी, वो चला गया। अब क्या होगा नानी? भाग कर लेखा कौन मेट सकता है बिटिया? जो जख्म देता है वही मरहम लगाता है। तुम क्या समझते हो दुख सिर्फ तुम्हें ही है, हमें नहीं? जाओ नाव तैयार करो। नहीं बाबू, नहीं बाबू, मुझे ये नहीं होगा, मुझे ये नहीं होगा बाबू। जिस नाव में बीबी जी दुल्हन बन के गई थी, अब उसी नाव में जोगन बन के जाएगी तो गंगा मैया का कलेजा दुख से फट नहीं जाएगा। जगो। चलो राधा। की भीख मांगती हूँ माँ। राधा,
भैनू साहब सुनिए तो। कहाँ है मेरी बेटी? आप अंदर चल के आराम कीजिए, वो अभी आती है। आराम ही तो कर रहा हूँ कब से, पहले अपने राधा बेटी को तो देख लूं, इतने में कोई मैं मत छोड़े जाऊंगा। राधा बेटी सुनिए। राधा मैं तो सिस्टर, अब भैनोई साहब को रोकना अपने बस की बात है, जो होना है वो होकर ही रहेगा। मुझसे ससुराल से जल्दी नहीं बुलाया इसलिए? हाँ। अच्छा बेटी, अब मैं तुझे कभी नहीं भेजूंगा, अपने पास ही रखूंगा, रहेगी ना मेरे पास। और सुन, राम बाबू को भी यही बुला लूंगा। घबराइए नहीं, सवेरे तक ठीक हो जाएंगे, लेकिन लेकिन क्या? सदमा बहुत पहुंचा है, इसीलिए बोलने की शक्ति खो बैठे हैं। तो क्या मेरे पिताजी अब कभी नहीं बोल सकेंगे? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, जरा तबीयत संभल जाए तो मैं फिर से एग्जामिन करूंगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। हाय राम, अब क्या होगा? घबराओ नहीं सिस्टर, एक दो दिन देखते, अगर इस डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ तो मैं शहर से बड़े बड़े डॉक्टर समझे। गोपी, गोपी, गोपी बेटे, क्या पगलपना है, क्यों खाना पीना छोड़ रखा है? चल खा ले, खा ले। दादी, आपकी बीबी जी देवी समाज है। हाँ। उनके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ है? अभी दो महीने मेरी कुछ है उनकी शादी को, और वो तो इस संसार में अमर होकर कौन आया है? एक दिन तो सभी को जाना है। लेकिन नानी, ये यमदूत मुझे क्यों नहीं ले गए, तुम्हें क्यों नहीं ले गए? इतनी बड़ी दुनिया में उन्हें बीवी जी के पति मिले और कोई नहीं मिला, और कोई नहीं मिला। मेरे बेटे, इधर देख, मेरी बात सुन, जानता है जीवन मरण का भेद क्या है? असल में मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है इस संसार में। जो मर जाता है, जलकर मिट्टी बन जाता है, वो तो ये शरीर है बेटे, आत्मा थोड़ी ही मरती है, वो तो हमेशा जिंदा रहती है, वो तो अमर है बेटा। अरे खाना कब से पड़ा है, अभी तक खाया नहीं तुमने? अरे किसी के मरने पर कोई कब तक भूखा रह सकता है? इधर तूने खाना छोड़ रखा है, उधर तेरे पिताजी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मुझे तो डर है कहीं तेरी ये जिद के थपेड़े मेरे पति को ना ले डूबे। भगवान जाने क्या होने वाला है,